अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यू आर वाचिंग द बूया शो और मैं हूं आपका होस्ट अयाज समो। आपको पता है इस शो में होता है क्या, फ्री फायर के स्ट्रीमर्स आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, हमसे बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, लेकिन आज का शो होने वाला है बहुत स्पेशल क्योंकि हमने आपको उनकी पर्सनल साइड दिखा दी, उसकी गेमिंग साइड दिखा दी, लेकिन आज हम उनकी दोस्ती पर बात करेंगे। चार चेयर्स हैं यानी चार स्ट्रीमर्स हैं जिनमें से दो दोस्त हैं और ये दो भी दोस्त हैं, वो कौन दो दोस्तों की जोड़ी है आज हमारे शो में बुलाते हैं। पहली जोड़ी को मॉन्स्टर गेमर एंड रूफी भाई। कैसे हैं? बस ईट, थैंक यू। ये दो दोस्तों की जोड़ी, इनकी दोस्ती इतनी पक्की है कि ये कपड़े भी एक ही कलर के पहन के आए हैं। ओके जी, दूसरी जोड़ी जो है वो दोस्तों की तो है ही, लेकिन साथ साथ उनकी एक मजबूरी भी है। मजबूरी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। बुलाते हैं पीआरजी आर्मी और पीआरजी गेमर। सर अब सीट, मुनीब एंड वहीद विकी जी, ये दोनों दोस्त भी हैं और मजबूरी इनकी दोस्ती की है कि दोनों भाई भी हैं, ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल ऐसा ही, मजबूरी तो है। मजबूरी तो है यार। अच्छा पहले क्योंकि ये लोग हैं तो उनसे स्टार्ट करते हैं, छोटे भी ये हैं तो आप बड़ों का तकाजा है कि छोटे से शुरू करना चाहिए। भाई कब से दोस्ती है, कितनी पुरानी? तकरीबन आप बताएं। तकरीबन हमें एक साल से ऊपर हो गया। एक साल की दोस्ती है? हाँ जी। एक साल में कितने पढ़े हुए अब तक आपस में? आपस में हमारे कोई ज़्यादा हुए नहीं। कितने? तकरीबन छोटे भाइयों की तरह ही हमेशा तरह। पढ़ा भाई नहीं हो तो काहे की दोस्ती, वो आगे चल के हो जाएगी। तब दोस्ती में पढ़ा ना, दोस्ती काहेगी, शायद फ्यूचर में हो जाए। अच्छा चलो अब बिल्कुल सीरियस, अब सीरियस सवाल होंगे, ठीक है? मजाक मस्तियाँ हो गई, दोस्ती क्यों हुई थी, तुम्हें क्या दिखा उस छोटे बच्चे में जो तुमने दोस्ती की उससे? जाहिर सी बात है एंटरटेनमेंट हर कोई पसंद करता है और ये काफी इंटरटेनिंग है। और बाकी फ्री फायर से रिलेटेड मुझे कोई मसला है तो मैंने इनसे पूछा। कभी बहुत सारे मसले पूछ सकते हैं, बहुत सारे बता, बहुत सारे तो बड़े भाई की तरह वो फ्यूचर में पूछेंगे ना, फ्यूचर में ठीक है। चलो भाई, चलो तुमसे तो ये नहीं पूछ सकते कि कितने साल पुरानी दोस्ती है। वैसे वहाँ दोस्ती हुई किस एज में आ गई? क्योंकि देखो जब छोटे बहन भाई होते हैं ना तो लड़ते ही रहते हैं, तुम्हारा क्या सीन था तुम दोनों का? शुरू से ही लड़ रहे हैं। वाकई लड़ रहे हैं? दोस्ती कब हुई, मतलब दोनों में एज डिफरेंस कितना है? तकरीबन 5-6 साल तो है। आप 5-6 साल बड़े हैं? जी हाँ। ओके, तो मारते थे बचपन में जब आप छोटे थे? बहुत। और अभी अभी कौन मार रहा है? मौका नहीं मिलता कह रहा मैंने बदला लेना लेकिन मौका नहीं मिल रहा मुझे अच्छा एक अच्छी बात मुनीब के बारे में, ये बात ना पूछो यार, बुरी पूछ लो, अच्छी ना पूछो। एक अच्छी एक बुरी ना, पहले अच्छी बात बताओ, सच बताना है। सोचना पड़ेगा ऐसे, ये बात अच्छा, मतलब कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है इसमें, अच्छा बुरी बता दो। लेट उठना, लेट सोना, खाना पीना। हाँ मुझे पता चल गया तू भाई है, ठीक है, भाई है पता चल गया, भाई है सही है। हाँ मुनीब विक्की के बारे में एक अच्छी बात, बुरी तो शुरू ना करें सही भाई है भाई, पर अंदाजा हो रहा है गेम में क्या होता होगा जी बुरी से शुरू कर दे, खोलो खोल दे दोनों भाइयों को। कि कुछ चीज़ लेना तो पहले पूछते जरूर है, कुछ चीज़ का परचेज कुछ भी लेना है करना है ना पहले पूछेंगे जरूर, तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ अच्छी बात बता, ट्रस्ट है ना आप पे। बुरी बात ये है कि उसी बात को जो हमने बोला वो माननी नहीं है, करनी अपनी है। आप लोगों की दोस्ती के बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया है कि आपकी इनसे बहुत अच्छी है, आपकी इनसे बहुत अच्छी है, इनके अलावा भी कोई दोस्त है जिंदगी में अच्छा जिसमें बहुत ट्रस्ट हो? है एक, एक है, एक है। आपका है कोई या आपका होता है? चले ठीक है, आपकी उनसे दोस्ती का इम्तिहान लिया जाएगा, ठीक है? आप उन्हें कॉल करेंगे और कॉल जाएगी आपकी लाउड स्पीकर पे और आप उनसे मांगेंगे पैसे, देखते हैं वो आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, कितनी जल्दी वो आपको पैसे देने पर राजी हो जाते हैं, ठीक है? मिलाएं कॉल। मेरी क्या मतलब, मेरी मिलाएं कॉल? अच्छा इसको शक है अपने दोस्त पे नहीं देगा पैसे, जो होने वाला है वो सोच रहा है। 50 रुपये नहीं मांगने, थोड़ा अमाउंट ज्यादा ही। अच्छा पैसे कोई ना ज्यादा मांगने, पहले कॉल तो मिलाओ बताता हूँ फिर। पैसे ज्यादा मांगने? 15,000 रुपये मांगना। 15,000 थोड़े हैं, इतने मिल जाएंगे? मिल जाएंगे? हाँ। तो लाख कर ले, ज्यादा कर, 50 कर दे, 50
लाउड स्पीकर खोलो। स्पीकर पे आ गया फोन। कॉल के लिए आपका बैलेंस ना काम है। 50,000 की बातें हो रही है। गरीब इंसान काम कर तू पहले सभा बन के नोट मार। अगला 50 भी नहीं देगा छोड़ दो। आप मिलाओ कॉल यार। मैं कह कोई दोस्त ऐसा जो दे देगा पैसे देने है गांव में एक है। चलो मिलाओ कॉल। ये इम्तिहान है दोस्ती का। अच्छा 50 मांगना पहले शुरू में, नहीं देगा तो ऐसे ऐसे कम भी कर लेना ठीक है। नहीं, तक आ जाना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जैन भाई? ठीक ठाक आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। रैंक मैच खेलते हो आजकल या नहीं? खेल लेते हैं कभी कभी यार। अच्छा मैं बोलूँ, मैं जो बोलूँ वो करा दोगे फिर? अगला समझने का जगह मांग रहे। मुझे वो जो है ना MP40 कोबरा वाली, वो लेवल 4 की या लेवल 7 की कर दी है, तो पैसे चाहिए यार डायमंड्स लेने के लिए। कितने पैसे चाहिए यार? कम से कम लेवल 4 की है तो आई थिंक 7-8 हज़ार तो लगेंगे उस पर। ठीक है सही है। इसी नंबर पे है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वाह भाई वाह वाह, कंपटीशन आ गया भाई। उसने दे दिए पैसे अभी दिए। हां वैसे दे गए या नहीं? क्यों नहीं देगा, उसने ऐसे बोला। चलो पक्की बात है ना? हाँ। गुड सीन है। चलो भाई अब आपकी बारी आ गई, वो तो मिल गए वहां पैसे। मैं तो नहीं मांगूंगा, मुझे तो अंदाजा है ना। हां इसके मुंह पे कोई पैसे भी नहीं देता, कह रहा है बंदा ठीक नहीं लगता। अच्छा खुफिया नंबर है, लाउड स्पीकर खोल दो। ओपन है? ओपन है ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिब, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, कैसा है मुनीत मेरी जान? ठीक ठाक, आप सुनाओ। सुना यार जॉब लग गई? अबे यार मैं तुझे बताना भूल गया, बिजी इतना हो गया था। असल में तुझे पता तो है वो कोरोना की दिक्कत क्या है, उसके बाद तो जॉब ऑफ हो गया था थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र बड़ी अच्छी कंपनी में लगी, आईटी छोटा सा काम है मेरे को। यार कुछ पैसे चाहिए थोड़े से। अच्छा हाँ थोड़े से चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। कितने? 50। 50 क्या? हजार। 50,000? हाँ यार तेरी सैलरी भी, तेरी सैलरी भी अच्छी है, हो जाए तो बता। सैलरी अभी तो यार असल में ना असल में मजबूरी और अर्जेंट चाहिए यार। तुझे पता तो है बड़ी बाजी का इलाज चल रहा है। तो मैं वेट कर लूंगा, आधे से ज्यादा तो घर में चले आएंगे। कुछ मेरे भी उधार चढ़े में जॉब थी नहीं। अच्छा अब जो बचेंगे वो मुझसे बता। चल मैं शाम को तुझे मैं दे दूंगा 1,500 ठीक है। चलो मैं भेज दूंगा, बंदा है मुझसे ले लियो पैसे। चलो ठीक है ठीक है, मैं भेज दूंगा शाम में कुछ। ओके बाजी का इलाज कराओ। यार ये था सच्चा दोस्त, असली वाला दोस्त हो गया एंड टाइम पे, बिल्कुल मुफलिस बन जाता है। गाड़ी मिल गई भाई को? गाड़ी मिल गई लेकिन बाजी या क्या पता जैन नहीं हो यार। पर बाजी तो है नहीं ना उसकी, पप्पू की बेटी हो कोई या ये हो सकता है, हो सकता है। खैर ये पहला गेम तो हो गया, दूसरा गेम जो है वो आप लोगों की दोस्ती पर ही रिलेटेड है। वो गेम हम खेलने जा रहे हैं टिल्ट अ कप, ठीक है? तो खेलने जा रहे हैं अगला गेम जो क्या है, टिल्ट अ कप। टिल्ट अ कप का मैदान सज चुका है, प्रॉप्स आ चुके हैं, टीम्स हैं तैयार। बहुत आसान गेम है ये, एक ग्लास है या कप है, आप एक कैच करेगा एक थ्रो करेगा, जब बॉल इसमें आएगी तो आपने इस वाले कप को नीचे कर देना है, फिर इससे कैच करना है, फिर इसको नीचे कर देना है।
जिसके सबसे ज़्यादा कैच होंगे, जो सबसे ज़्यादा बैलेंस करेगा वो होगा विनर। आपके पास टाइम होगा एक मिनट का। नीचे होगा वही काउंट होगा? जी, जो नीचे होगा वही काउंट होगा, ऊपर वाला काउंट नहीं होगा जब तक वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है? ठीक। ओके, रेडी है? ठीक है जी। दोनों रेडी? रेडी। आप लोगों का एक मिनट का टाइम शुरू होता है अब। चलो चलो, हैवी ड्राइवर बन जाओ, हैवी ड्राइवर बन जाओ। शाबाश, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, थोड़ा शाबाश। एक एक हो चुका दोनों का। घबराना नहीं है, थोड़ा रिलैक्स, कब को थोड़ा सा, हां थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड वेरी गुड। ख्याल से कब ड्रॉप ना हो नीचे वाला। हां ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, आराम से आराम से, जल्दी आराम से, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो चलो आराम से, लीड अच्छी है, आराम से बस। लीड उनके पास है वैसे, हौसला तो है, हौसला चाहिए, लाजमी है। हाँ, हमारे पास लीड अच्छी है, उनके पास अच्छी नहीं है। शाबाश शाबाश, बराबर आ चुके हैं दोनों, बल्कि वो आगे निकल गए। जल्दी आ जाओ जल्दी, रिलैक्स रिलैक्स, कब चेंज करते हो ख्याल से, आराम से कब चेंज करते हो ख्याल से। वेरी गुड, सही है सही है, वेरी गुड। मुनीब अपने लंबे हाथों का फायदा उठाते हुए, लंबे हाथों का, हमारी उंगलियां छोटी, शाबाश एनाकोंडा, अपने मोटे हाथों का सही इस्तेमाल करना इस बार। लास्ट 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, खत्म 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 खत्म। भजन कब का बनाना था, इन्होंने अपना एनाकोंडा बना दिया, इधर एनाकोंडा लेके अपना ये अवार्ड है, ये हाँ ये एनाकोंडा इनका है, ये अवार्ड है। तो ये जो टिल्ट कप का मैच था, ये टीआरजी की टीम जीत चुकी है और इन्होंने बहुत कोशिश की, असल में उनके हाथ छोटे छोटे हैं तो उनके छोटे छोटे हाथों से, इतने लंबे तो नहीं है ना, तो छोटे छोटे हाथों से उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन इतने कप्स को बैलेंस नहीं कर पाए जितना ये कर पाए। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग जीत गए। जाने से पहले हारने वाली टीम कुछ कहेगी? लास्ट टाइम की तरह दुआओं की अपील, भाई लास्ट टाइम की तरह हमेशा की तरह बद्दुआएं दे रहा मुझे बैठ के। जी रूफी भाई कुछ कहेंगे? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है सर, जिस तरह से हराया है ना, अल्फाज खत्म हो गए मेरे पास, अल्फाज खत्म हो गए। जीतने वाली टीम कुछ कहेगी? प्रैक्टिस करके आया करो, हाँ प्रैक्टिस करके आया करो, फौरन चौड़े हो गए हैं। खैर जा रहा, इसके साथ ही आज का एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में द बोया शो के। अपना ख्याल रखिएगा। और एक कॉल, हाँ एक कॉल, एक ओ हाँ कॉल, कौन सी कॉल? एक मिनट, जिससे पैसे मांगे थे उसने हम ही तो भरी थी। अच्छा कॉल, इम्तिहान हो गए, पैसे आए नहीं है अब तक, वो असली वाला दोस्त ही क्या जो पैसे भेज दे, तो मैं ले जाऊं। हाँ ये ऐसे ही रहेगा, ये एंड तक इसका एनाकोंडा ऐसे ही रहेगा। अच्छा से मैं कॉल, ठीक है स्पीकर पे लगाऊं? ओके हाँ लगाओ, पूछो। अभी एक दबाए, नंबर ऑन होने पर इत्तलाई मैसेज। इसका तो नंबर ही बंद आ रहा है। खैर अब बाकी शो खत्म हो जाना चाहिए, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में द बोया शो के। हयात समो साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यू आर वॉचिंग द बोया शो, दिस इज आवर लास्ट एपिसोड एंड आई एम योर होस्ट अयाज समो। कैमरे में देख के बोलो, कैमरे में देख के बोलो। दो दो क्लास नहीं, दो दो क्लास नहीं होंगे। द बोया शो के मजीद दिलचस्प एपिसोड देखते रहे हर वेडनेसडे को शाम 8 बजे सिर्फ करेना फ्री फायर पाकिस्तान के YouTube चैनल पर।